देख लीजिए, भारतीय रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली है। सेकंड है, भारतीय रेल के रेल मार्ग मतलब कुल लगभग कितना है, तो 60,000 किलोमीटर। सबसे मतलब ये सब जितने भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा ना, सब क्वेश्चंस किसी ना किसी एग्जाम में अगर जोड़ दिया जाए तो 10 से ज्यादा बार आया हुआ ये क्वेश्चंस रेलवे के, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय रेल का कुल रेलवे ट्रैक की लंबाई जो कार्यशील में है, कितनी कार्यशील में है, ठीक है, जितनी भी ट्रेन चलती है, 93,300 किलोमीटर, इतनी जो ट्रैक है उस पर ट्रेन डेली चलती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, भारत में प्रथम मेट्रो रेल कब कहाँ मतलब कब शुरू हुई थी, तो ये चली थी कोलकाता में 24 अक्टूबर 1984 को, ठीक है। और ये चली थी ये भी कहाँ से कहाँ तक, ये भी याद रखिएगा, दमदम से टॉलीगंज चली थी ये 24 अक्टूबर 1984 को, कलकत्ता में पहली मेट्रो रेल चली थी, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे के सबसे पुराने स्टीम इंजन का नाम क्या है, स्टीम इंजन ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक नहीं, स्टीम इंजन का बात हो रहा है, परियों की रानी फेरी क्वीन, उसका नाम है फेरी क्वीन, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो है, मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल में जो ये मतलब स्टेशन है, ये सबसे भारत का बेस्ट स्टेशन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन, किस राज्य में रेल जो रेल मार्ग है वो सबसे लंबा है, तो है यूपी, उत्तर प्रदेश का में जो है रेलवे ट्रैक सबसे लंबा बिछा हुआ है पूरे भारत में। नेक्स्ट है, रेलवे नेटवर्क की अवधि में भारतीय रेलवे की स्थिति क्या है, तो एशिया में है दूसरा, लेकिन अभी एशिया में फर्स्ट है, ठीक है, दुनिया में चौथा। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे में कितने रेलवे जोन है, तो रेलवे जोन है 17 और जो भर्ती बोर्ड है वो 21 है, ये भी याद रखिएगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में संचालित पहली बार रेलवे मतलब कब चली थी, तो पता ही होना चाहिए, 16 अप्रैल 1853 मुंबई से ठाणे 34 किलोमीटर, डेट भी याद रखिएगा 16 अप्रैल, क्योंकि इसी दिन मनाया जाता है रेल दिवस, ठीक है। भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कौन किसके बीच चली थी, मतलब तो मुंबई से पुणे के बीच 1929 में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चली 1929 में और मुंबई से पुणे के बीच में। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे में विद्युतीकरण यानी कि इलेक्ट्रिक से जो ट्रेन चलनी कब स्टार्ट हुई थी, तो हुई थी 1920 में, विद्युतीकरण स्टार्ट हुआ था 1920 में। भारत में रेल कोच कारखाना कहाँ है, यह है पेरम्बूर और कपूरथला, दो जगह है, पेरम्बूर आपको पड़ जाएगा तमिलनाडु में और कपूरथला पंजाब में, ये दोनों जगह जो है रेल कोच कारखाना है, यहाँ रेल कोच बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय ट्रेड यूनियन कब लागू किया गया, तो 1926 में लागू किया गया है भारतीय ट्रेड यूनियन कानून। नेक्स्ट है, भारत में डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ है, तो यह वाराणसी में DLW, बहुत ही फेमस जगह है, पता होना चाहिए आप लोगों को, DLW वाराणसी में है। भारत में व्हील एक्सल प्लांट जहाँ व्हील बनते हैं वो बेंगलुरु में है, ये सब क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं एग्जाम में, एकदम आप इसको याद एकदम टेबल की तरह रट के रखिए, ये 50 क्वेश्चंस ऐसे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे का 100वां वर्षगांठ मनाया गया, तो 1953 में, लाजमी है ये तो आपका थोड़ा मैथ है चलाइए, 1853 में स्टार्ट हुआ तो 1953 में ही जाके 100 साल पूरा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा वर्ष रेलवे उपभोक्ता वर्ष मनाया गया, तो 1995 में जो है वो रेलवे उपभोक्ता दिवस मनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, किस वर्ष भारतीय रेलवे का स्वच्छता वर्ष मनाया गया, तो 1997-98 में, ये सब डेट एकदम ईयर याद रखिए आप, एकदम पक्का एग्जाम में आ सकता है, 1997-98 में मनाया गया था भारतीय रेलवे स्वच्छता वर्ष। नेक्स्ट है, किस वर्ष भारतीय रेलवे के को यात्री वर्ष मनाया गया, तो 1999-2000 में मनाया गया था रेलवे यात्री वर्ष, रेलवे यात्री वर्ष मनाया गया 1999-2000 में। कौन सा वर्ष ग्राहक संतुष्टि वर्ष मनाया गया, तो 2003-04 में मनाया गया था ग्राहक संतुष्टि वर्ष, कि मतलब जो रेलवे के कस्टमर है वो सेटिस्फाई है रेलवे से, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ब्रॉड गेज जो कि सबसे चौड़ा ही माना जाता है, ब्रॉड गेज ही अब सारा जो रेल होगा भारत में वो सब ब्रॉड गेज ही हो जाएगा, ठीक है ना, जिसका लंबाई 1.6 मीटर होता है और मीटर गेज जो होता है उसका होता है 1 मीटर और संकीर्ण गेज जो भी छोटा वाला होता है वो होता है 0.67 मीटर। तीन तरह की जो रेल होती हैं यानी पटरियां भारत में होती हैं, ब्रॉड गेज बड़ी वाली, एक बीच वाली है और एक छोटी वाली है, बड़ी वाली जो है 1.6 मीटर, अब यही हो जाएंगी पूरे भारत भर में, ठीक है, और 1 मीटर और ये 0.67 मीटर, तीन तरह की।
नेक्स्ट देखते हैं, रेल प्रबंधन समिति किससे संबंधित है? तो ये थॉमस रॉबर्टसन, थॉमस रॉबर्टसन जो है इन्होंने एक रेल प्रबंधन समिति बनाई थी। नेक्स्ट, एकवर्थ समिति का उद्देश्य क्या था? तो सामान्य बजट से रेल बजट का अलग करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, VVI, इसको मैं लिख दे रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एकवर्थ समिति ही वो थी जिसने सामान्य बजट से रेल बजट को अलग किया था। कब? तो डेट याद ही रखना है आपको, ईयर याद रखना 1924 में। और फिर से ये दोनों कब मिल गया? तो 2017 में रेल बजट और आम बजट एक में हो गया, ठीक है। रेलवे सलाहकार समिति की स्थापना किसके लिए की गई थी? तो रेल किराए के लिए एक समिति बनी थी। फिर से अगेन आप देखिए, रेलवे सलाहकार समिति ये बनी थी कब, किसके लिए? तो रेल किराए के लिए, कि मतलब रेल किराया घटाया जाए, बढ़ाया जाए या क्या किया जाए। भारत में कितने रेल संग्रहालय हैं? तो नई दिल्ली, वाराणसी, नागपुर, चेन्नई, मैसूर, यानी कि 5 जगह जो है वो रेल संग्रह है, नई दिल्ली में, वाराणसी में, नागपुर, चेन्नई और मैसूर में, ठीक है। लाल संकेत, अब आते हैं थोड़ा ट्रेन का सिग्नल के बारे में। लाल संकेत का मतलब क्या है? रुकना या खतरा, डेंजर है, ठीक है, ऐसे रहता है ना, लाल खतरा मतलब कि खतरे का निशान है, रुकना है, यानी कि ट्रेन रुक जाती है वहीं पे। पीला संकेत का मतलब क्या है? ये सब एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। अब रेलवे का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको रेलवे का पूरा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। तो पीला संकेत का मतलब होता है सावधानी, सावधान हो जाओ, धीमे हो जाओ, लेकिन आगे बढ़ने के लिए तैयार रहो, तैयार रहो, ठीक है ना, और धीमा हो जाओ अगर तेज चल रहे हो तो, सावधानी है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर ग्रीन सिग्नल की बात की है, हरे तो एकदम क्लियर है, रास्ता एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बढ़ते जाओ आगे, ठीक है, अधिकतम गति के साथ, मतलब तेजी से आप भाग सकते हो। भाप इंजन की खोज किसने की थी? तो स्टीम सावरी ने 1698 में भाप इंजन की खोज की थी। भाप, स्टीम का मतलब भाप ही होता है, तो उनका नाम स्टीम ही है, आप ऑप्शन के थ्रू भी इसको कर सकते हो। इंजनों की खोज किसने की? तो रिचर्ड ट्रेविथिक ने 1804 में इंजन की खोज की थी, जो रेलवे इंजन है उसकी खोज रिचर्ड ट्रेविथिक, खोज क्या मतलब इसको बनाया था रिचर्ड ट्रेविथिक ने, ठीक है। डीजल इंजन की खोज रुडोल्फ डीजल, नाम से ही पकड़ सकते हो 1895 में, कि डीजल इंजन को डीजल ने बनाया, रुडोल्फ डीजल ने, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी ट्रेन हर स्टेशन पे रुकती है? तो पैसेंजर ट्रेन, सबको पता है, हॉल्ट पे भी रुकती है, स्टेशन के बीच में छोटे छोटे हॉल्ट होते हैं ना, वहां पे भी रुकती है, तो हर जगह रुकने वाली ट्रेन को बोलते हैं पैसेंजर ट्रेन। कौन सी ट्रेन कुछ स्टेशन पे रुकती है? तो एक्सप्रेस जो ट्रेन होती है कुछ स्टेशन पे ही रुकती है, ठीक है। कौन सी ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होती है? तो उसको बोलते हैं सुपर फास्ट ट्रेन, जितनी भी सुपर फास्ट ट्रेन है वो 100, उनकी स्पीड जो होती है वो 100 किलोमीटर से अधिक होती है। कौन सा ट्रेन माल और सेवा के उद्देश्य के लिए चलती है? तो रेल वाहक, जो माल मतलब जो ढोती है सारे सामान गुड्स वगैरह, वो रेल वाहक होती है। EMF इलेक्ट्रोमैग्नेटेबल फोर्स द्वारा कौन सी ट्रेन चलती है? तो बुलेट ट्रेन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन से, EMF, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटेबल होता है, यही ये जो चीज है इसी के चलते बुलेट ट्रेन इतनी तेज चलती है, ठीक है ना, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है EMF इलेक्ट्रोमैग्नेटेबल फोर्स के ही द्वारा बुलेट ट्रेन चलती है। रेलवे ट्रैक के समर्थन में कौन सी रेलगाड़ी धावती है? तो मोनोरेल, जो रेलवे ट्रैक जो होता है उसको सही करने के लिए एक ट्रेन चलाया जाता है, मोनोरेल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय रेल की कौन सी रेल सबसे बड़ी दूरी चलती है? तो विवेक एक्सप्रेस नाम है, जो 11 राज्य से 4286 किलोमीटर चलती है, और ये चलती है डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ जो है वो आसाम में पड़ता है, ठीक है, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी तक चलती है, नाम है विवेक एक्सप्रेस, 11 राज्यों से होके गुजरती है, डिस्टेंस कवर करती है 4286 किलोमीटर, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको देख लीजिएगा। भारतीय रेल की कौन सी रेल बड़ी सबसे बड़ी दूरी तक चलती है? तो विवेक एक्सप्रेस है, 11 राज्य से होके गुजरती है, डिस्टेंस 4286 किलोमीटर, चलती है डिब्रूगढ़ जो आसाम में है और कन्याकुमारी तक। कितने राज्यों में कोंकण रेलवे विस्तार हो रहा है? कोंकण रेलवे विस्तार हो रहा है गोवा, ठीक है, कर्नाटका रेलवे, कर्नाटका और केरल, सॉरी MH, यहाँ पे MH क्या लिखा हुआ है, 3 ही होता है, कर्नाटका और MH शायद महाराष्ट्र को बोल रहा है, हाँ महाराष्ट्र भी इसमें है, ठीक है, 4 स्टेट है, इसको ध्यान दीजिएगा आप, गोवा है और ये महाराष्ट्र है, कर्नाटका है और केरल है, 4 स्टेट्स में है कोंकण रेलवे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो डिस्टेंस बनाया गया है वो 786 किलोमीटर, इसको आप याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है,
कौन सी ट्रेन भारतीय रेलवे का सबसे पहला सुपरफास्ट ट्रेन थी? तो थी राजधानी एक्सप्रेस जो कि चली थी 1 मार्च 1900 शायद 1976 है 66 इसको आप देख लीजिएगा एक बार ठीक है। दिल्ली से हावड़ा के बीच पहली जो ट्रेन थी वो थी राजधानी एक्सप्रेस थी ठीक है। जवाहरलाल नेहरू के जन्म के समय कौन सी ट्रेन की झंडी दिखाई गई? तो उनके जन्म जिनका दिन बर्थडे मनता है जिस दिन उस दिन चली थी शताब्दी सुपरफास्ट ट्रेन ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच चलाई गई कौन सी ट्रेन थी? तो थी समझौता एक्सप्रेस अटौरी लाहौर से होकर जाती है जो चलाई गई थी 22 जुलाई 1976 को पहली बार ठीक है। नेक्स्ट दूसरी एक और ट्रेन है भारत पाकिस्तान के बीच थार एक्सप्रेस यानी कि दो ट्रेन है समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस। समझौता एक्सप्रेस सबको याद रहता है थार एक्सप्रेस भी आप याद कर लीजिएगा ये भी है ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी ट्रेन चलती है? तो ये चलती है मैत्री एक्सप्रेस। इसको चलाया गया था 14 अप्रैल 2008 को ध्वज अंकित मतलब करके मतलब उस दिन इसका शुरुआत किया गया यानी कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो ट्रेन चलती है उसका नाम है मैत्री एक्सप्रेस चली थी 14 अप्रैल 2008 को। कर्मचारी रेलवे भर्ती बोर्ड सबको पता है 21 होते हैं रेलवे भर्ती बोर्ड हमेशा याद रखना इसको ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 49 नंबर कब रेलवे सुरक्षा बल की स्थापना की गई? तो 14 मई 1954 को आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ठीक है ना रेलवे सुरक्षा बल वही है तो इसको शुरू किया गया था 14 मई 1954 को। और फिर यहाँ पे तो कुछ ये गड़बड़ है दिल्ली होगा इसका न्यू दिल्ली आई थिंक ये तो क्वेश्चन पहला ही वाला था ठीक है कि भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो आज हमने देखा 50 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेलवेज के जो कि हमेशा मतलब हर एक क्वेश्चन कम से कम 10 बार से ज्यादा बार एग्जाम में पूछे गए हैं रेलवेज के चाहे ग्रुप डी हो असिस्टेंट लोको पायलट हो टेक्नीशियन हो टीसी टीटी एसएम किसी भी तरह के एग्जाम में ये क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट होते हैं। इनको आप एकदम टेबल की तरह रट जाओ जैसे दो का टेबल हमको याद रहता है ना 3 का 4 का ऐसे ही क्वेश्चंस याद होने चाहिए जितने भी मैंने बताए। इस वीडियो को 3 से 4 बार देखो एकदम याद कर जाओ ठीक है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसे ही वीडियोज अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते हैं जो कि आपके आने वाले हर एक एग्जाम में हमारे वीडियो बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं और खासतौर से रेलवे को लेकर मैं बहुत ज्यादा सीरियस हूँ और डेली में 4 से 5 वीडियो अपलोड कर रहा हूँ रेलवे पे केवल ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय।